शेर और चालाक गधा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर हर रोज जंगल के पास एक नदी के किनारे पानी पीने जाया करता। शेर को हमेशा अपने शिकार की तलाश रहती। हर रोज की तरह शेर नदी के किनारे पानी पीने गया। तभी उसने नदी के दूसरे किनारे पर एक गधे को पानी पीते देखा। गधे को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया। शेर ने मन बना लिया, आज तो मैं इस गधे को खा कर रहूंगा, पर कैसे, कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। तभी शेर को एक उपाय सूझा और शेर ने दूर खड़े गधे से कहा, मैंने सुना है जंगल में एक घोड़ा है जो बहुत सुरीला गाना गाता है। मैंने उसकी बहुत प्रशंसा सुनी है, मैं भी उसका गाना सुनना चाहता हूँ। अगर वह सचमुच इतना सुरीला गाना गाता होगा जिससे मेरा मन प्रसन्न हो जाए, तो मैं उसे बहुत सारे उपहार दूंगा। गधा शेर की चाल समझ नहीं पाया और उपहार के लालच में उसने शेर से कहा, महाराज मैं भी बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। शेर ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम ही गाना गाकर सुनाओ। अगर तुमने अच्छा मीठा और सुरीला गाना गाया तो मैं तुम्हें भी ढेर सारे उपहार दूंगा। बस फिर क्या था, गधे ने आंख बंद करके जोर जोर से गाना गाना शुरू कर दिया और जोर जोर से रेखने लगा। जैसे ही गधे ने आंखें बंद करके गाना गाना शुरू किया, शेर धीरे धीरे नदी पार करके उसके पास पहुंच गया और उसे घेर लिया। अब तुम बच के नहीं जा सकते, आज तो मैं तुम्हारा ही भोजन करूंगा, बहुत मजा आएगा। अब गधे को अपनी बेवकूफी पर पछतावा हुआ। वह समझ गया कि शेर ने मुझे खाने के लिए गाने का बहाना किया। शेर को कोई गाना नहीं सुनना था, पर गधे ने भी हार नहीं मानी और उसने तुरंत एक तरकीब सोची और शेर से कहा, महाराज आप इतने बड़े जंगल के राजा हो और मैंने सुना है राजा लोग भोजन करने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या आप प्रार्थना नहीं करते? कैसे राजा हैं आप? शेर ने कहा, कैसी मूर्खता वाली बात कर रहे हो, हम इस पूरे जंगल के राजा हैं, हम भी प्रार्थना करके ही अपना भोजन करते हैं। मैं भी पहले प्रार्थना ही करूंगा, उसके बाद ही तुम्हें खाऊंगा। ऐसा कहकर शेर ने प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद की और जैसे ही शेर ने प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद की, गधा वहां से भाग गया और उसकी जान बच गई। इस तरह गधे ने सही समय पर चालाकी दिखाकर अपनी जान बचा ली। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में भी अपनी सुध नहीं खोनी चाहिए और निरंतर कठिनाइयों से निकलने का रास्ता तलाश करते रहना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल करने से बड़ी समस्या का हल निकल जाता है।